जनाब छोटी जी ब्रेक तो बाद तुहाडे सामने हाजिर हैं। अपनी गल चल रही थी दीप साहब। हाँ जी, अज दियां फिल्मां ते थोड़े वेले दियां फिल्मां दी तुसीं दसदे हो भई जिहड़ियां हीरोइनां हुंदियां सी भी उह अपने पहला मेन काम उहनां दा हुंदा सी जी भई अपनी जिहड़ा पहरावा उहनां दा भई वाकई रिस्पैक्टेबल आ जां उहनां नूं भई जसण लई कैमरे दे मूहरे उहनां नूं लोकां दे सामने एक्सपोज कीता जा रिहा किसी होर ढंग नाल। बॉबी साहब अज कल दियां फिल्मां ते उस टाइम दियां जिहड़ियां ना मैं इस करके कहा कि जमीन और आसमान का फर्क आ। हाँ जी हाँ जी, एक तो यह काम नू काम नहीं समझते। मैं सच्चियां गल्लां करदा। बिल्कुल जी बिल्कुल समझदे वड़ी गल। उस टाइम जिहड़े भी बंदे फिल्मां बनाउंदे सीगे मैं कई बार ये देखिया कि दिन दे विच दो शॉट हुंदे हुंदे सीगे, सिर्फ दो सारे दिन च। हाँ, लाइटां हुंदियां रहिंदियां सीगियां सब कुछ, ये पर वो जिहड़े शॉट हुंदे सीगे देखण दे काबल हुंदे सी। अपनियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां समझदे सी। हाँ जी, भई जिहड़ियां चीज़ां उह तैयार कर रहे ने। मैं कहिंदा पुरानियां फिल्मां देखो तुसीं, कोई भी पुरानी फिल्म देखो किन्ने सोहने तरीके दे नाल उन्होंने एंगल सब कुछ। इत्थे तां इस टाइम ते फटाफट यार इन्ना चिर की करदा सीगा यार, अरे सीन करना फटाफट, ये कर वो कर वो कर ये कर, ये तो फटाफट कर करा के कपड़े की तरह बदल देंगे ने। पुछो ना तुसीं, मतलब मैं पता नहीं इन्हां नूं की हो गया। हुण मैं जय जी नूं देखदा सीगा मार यार, मैं उन्हूं एक बारी जलंधर बड़ा झाड़िया सीगा। अच्छा जी, कि यार तैनूं किहड़े बंदे ने तैनूं कहता कि तू सिंगर बन जा। हाले कि वह मेरी इंटरव्यू या मेरा प्रोग्राम सुने भी तो उन्हें याद आ जाऊगा। अज मैं फील करदा कि उन्हूं मैं क्यों कहा सीगा। ये कोई सिंगर है यार कोई। दीप साहब यह गल्लां थोड़ियां बिल्कुल दुरुस्त ने जी, सही ने। बड़ा फर्क आ अज दियां फिल्मां ते उदों दियां फिल्मां दा। लोकां ने उमरां गाल दित्तियां जी, उमरां गाल दित्तियां काम सीखण वास्ते। इत्थे तां मतलब एक मूड बनाउण दी खातर वक्त हुंदा। बिल्कुल, हुण जे कोई भी सीन करना कोई सीरियस हैगा या कोई गुस्से दा हैगा या कोई एक आम जिद्दां आपां गल कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, इन्हां दे विच बड़े फर्क हुंदे आ। अच्छा जी, जिस तरह मतलब किसी दे नाल अपना टाकरा होया, कई बारी कोई आदमी इहो जिहा नहीं आ जांदा अग्गों भी ऐं लगा हुंदा ऐ कन्न इदां। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उह भी लगा हुंदा गल कुछ भी नहीं, उह भी खुंडस नाल देखण लग पैंदा, उह भी देखण लग पैंदा, उहीं पैर मली जांदे ने, उहीं धरती नूं वंडी जांदे ने। मैं साडे खूहां दे उत्ते देखिया सीगा ओह गले दे विच खराश होणी ना। यार मैं एक बारी मैनूं खराश जी आई, कहिंदा की गल, बड़ा खराश दा साड़ा गला वढ के रद दवांगे। यार इहनूं कीवें कहा, दसो तुसीं। मतलब इन्ने साडे कई बेवकूफ लोग हैगे आ जिहड़े नहीं समझदे। ते मैं तुहानूं दसदा कि इह जिस तरह हुण एक प्यार ना बोलना, तुसीं आ सामने मेरे। हाँ जी हाँ जी, एक जवान की चीज़ है। मैं कहना अगर जिस इंसान नू जिंदगी च बोलना आ गया ना, बहुत बड़ी गल है। ये बोलना भी एक आर्ट है। ये भी एक आर्ट है जी, बिल्कुल ये भी एक आर्ट है, ये वाकई आर्ट है। हुण मैं तुहाडे कोल किसे काम नू आया। हाँ जी हाँ जी, जे तो मैं आया बाबू साहब वो यार एक काम सीगा, तुसीं कहना यार बोलदा किद्दां इह, वो यार थोड़ा जिहा काम सीगा यार कर देंगा। एक हुंदा यही गल जिहड़ी हुंदी है, बाबू साहब नमस्ते, की हाल है तुहाडा। बाबू साहब मैं थोड़ा जिहा तुहाडे वास्ते ना एक काम सीगा, जे तुसीं कर दो तो तुहाडी मेहरबानी, ना भी करो तां भी फिर भी कोई गल नहीं। क्या बात है, एक ये हुंदा कहण च बड़ा फर्क है, बोलण च बड़ा फर्क है। एक ये हुंदा, एक हुंदा बंदा टुट जांदा, वो कोई होर सहारा नहीं, कुछ नहीं, वो किस ढंग ना आउंदा। ये तुहानूं मैं दो तरीके दसे, मैं तीसरा लगा दस। वो आया, बाबू साहब नमस्ते, बाबू साहब मैं तुहाडे कोल आया सीगा, मैनूं माड़ा जिहा काम सीगा, तुसीं पुछिया कि की काम है किद्दां है। बाबू साहब मेरी वो बंदे ने इंसल्ट कीती है, तुसीं उन्हूं पुछो कि क्यों कीती है मेरी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो तुसीं।
ਇੱਕ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਰਹੇ ਮਤਲਬ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੱਤਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਐਂਟਰੀ ਕਲਕੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕਈ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਲੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਕਤ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਛੋੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਧੜਕਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੱਸਦੀ, ਹਰ ਧੜਕਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੱਸਦੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਹਰ ਧੜਕਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੱਸਦੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਲਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਿਖਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਸਾਗਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀਪਸਾ ਬੋਣੀ ਚੰਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਰਸਾਗਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।